दोस्तों सन 1934 वह दशक था जब पूरे विश्व में इलेक्ट्रिक इंजन की कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन 1934 में ही जर्मनी के अंदर इलेक्ट्रिक इंजन का इन्वेंशन हुआ। और दोस्तों उस वक्त से लेकर आज तक यह टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया की सभी बड़ी इंडस्ट्रीज और हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट का चेहरा बदल चुकी है। और देखा जाए तो स्पेशली चीन का दोस्तों, क्योंकि चीन इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आज पूरी दुनिया के जिस लेवल पर बैठ गया है, उस लेवल से देखें तो हमारा भारत 17 साल पीछे चल रहा है। लेकिन दोस्तों अब जाके मोटर टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में हमारे भारत को जिस क्रांति का इंतजार था वो अब आ चुकी है। और अब एक ऐसे सेक्टर्स के मोटर के डेवलपमेंट पर काम शुरू हो चुका है जिस मोटर टेक्नोलॉजी को लेकर चीन आगे बना हुआ है। क्या है दोस्तों पूरी अपडेट आज की छोटी सी वीडियो में डिटेल में समझेंगे, इसलिए वीडियो आप पूरी देखिएगा। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपका हमारे साथ जुड़ना ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो दोस्तों मेन खबर यह है कि अभी हाल ही में भारतीय सरकार ने एक मैन्युफैक्चरिंग PLI को लॉन्च किया था, जिसके तहत भारत के अंदर ही ड्रोन सेवा उसके कंपोनेंट्स आसानी से भारत के अंदर ही बनाए जा सके। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो भारत में ड्रोन्स का प्रोडक्शन थोड़ा पहले से ही शुरू हो चुका था, लेकिन बस असेंबलिंग लेवल पर। लेकिन दोस्तों आज जो एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई है उससे हमारे भारत की पूरी ड्रोन इंडस्ट्री का कायापलट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भारत की पहली प्राइवेट ड्रोन कंपनी ने 100% स्क्रैप से एक बेहतर ड्रोन को डेवलप कर लिया है, एवं उसकी मोटर का भी। और दोस्तों यह 18 किलोवाट की मोटर भारत की आर्म फोर्सेस एवं कृषि एवं सर्वेलांस में इस्तेमाल किया जा सकेगी। और दोस्तों इस ड्रोन के हाईली लाइट वेट होने की वजह से इसे लेह लद्दाख के हाईली एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में भी आसानी से उड़ाया जा सकेगा। और साथ ही दोस्तों इन ड्रोन की 4 कॉन्फ़िगरेशन करके इन मोटर्स से 40 किलोग्राम तक का लोड भी एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। और दोस्तों आपको याद होगा आज से मात्र 2 साल पहले तक भारत में ई रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिक 2-व्हीलर, 3-व्हीलर एक भी दोस्तों इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग भारत में नहीं थी। लेकिन आज परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है दोस्तों। अब भारतीय सरकार की PLI स्कीम के तहत लोकलाइजेशन भारत में काफी तेजी से बढ़ रहा है, और सेम इसी तरीके से दोस्तों ड्रोन सेक्टर में भी इसकी एक नई शुरुआत मानी जा सकती है। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों भारतीय कंपनी की इस नई इन्वेस्टमेंट को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।